जब से धमतरी निगम के कांग्रेस का महापौर बना है तब से निगम की मनमानी की शिकायतें लगातार हो रही है। तो वही आज भाजपा के पार्षदों के नियम के द्वारा नियम के विरुद्ध ईओआई आमंत्रण सूचना जारी करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन नगर पालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत शहरी बैगरी के लिए आश्रय योजना के तहत नया बस स्टैंड व नेहरू गार्डन के पास स्थित आश्रय स्थल का निविदा आमंत्रित किया गया है, जिसकी नियत अंतिम तिथि 16 फरवरी को है, लेकिन उस आश्रय स्थल को संचालित किए जाने के लिए नियम व शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा। बता दें कि भाजपा के पार्षदों ने महापौर विजय देवांगन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को महती योजना के उद्देश्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के ऊपर समुचित कार्रवाई किया जाए और महिला स्व सहायता समूह के हित संवर्धन तथा उनकी रक्षा के लिए किए जाने की बात निगम के भाजपा पार्षदों ने की है। मैं रितिका यादव सुभाष नगर वार्ड से अंश महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और सुभाष नगर वार्ड से उड़ान फेडरेशन की भी अध्यक्ष हूँ। जो पिछले साल रैन बसेरे का टेंडर निकला था तो मैंने बस स्टैंड वाला रैन बसेरा और सुभाष नगर ये अपना नेहरू गार्डन के बाजू वाला रैन बसेरा दोनों का टेंडर भरा था नियम के सरते नियम के तहत और नियम के तहत मुझे ये टेंडर मिला गया था और बिना जानकारी के टेंडर मतलब कैंसिल होने के बाद फिर से इसका मतलब टेंडर निकल गया लेकिन धमतरी में किसी भी फेडरेशन को ये जानकारी नहीं है, ये गुप्त रूप से टेंडर निकला है और इसमें पिछले टाइम 5,000 रुपये डीडी था, इस बार 30,000 रुपये इसमें डीडी कर दिया गया है और ये जानकारी किसी को भी नहीं पता गया। महापौर के पास गए तो महापौर ने बोला हमको, महापौर ने ये कहा कि हमको जिसको देना होगा हम दे देंगे, उन्होंने ये बोला, तो ये गलत है और नगर निगम महिलाओं के साथ बहुत गलत कर रही है, स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, 10 बार हम निगम आए हैं लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, कमिश्नर सर भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, महापौर भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे, इसलिए हम कलेक्टर सर के पास आए, हमने अपनी बातें रखी है, अब ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए क्योंकि ये नियम के तहत बिल्कुल भी नहीं है, जिनको उनको देना है वो उसी को देना चाहते हैं तो ये गलत है। क्या लगता है निगम जो अपनी मनमानी कर रहा है और धौंस दिखा रहा है? निगम अपनी मनमानी कर रहा है, धौंस दिखा रहा है, उनको जिनको देना है वो वही चाह रहे हैं और तुरंत फेडरेशन तैयार किया जा रहा है। जो 3-3 साल से फेडरेशन बना है वो गलत है क्या? जो एक्टिव महिला है उनको नहीं, मेरे को साफ मना कर दिए हैं, जो एक्टिव महिला है उनको नहीं देना है, जो आपको जिसको देना है वो तुरंत फेडरेशन तैयार करके उनको दिया जा रहा है। क्या बोले भैया, अब जो चीज है वो दिख रही है साफ, कमिश्नर सर के पास गए वो तो साफ इनकार कर दिए, बहुत बदतमीज टाइप का बात किए कमिश्नर साहब, फिर महापौर के पास गए उन्होंने भी बोल दिया हमको जिसको देना है हम उसको देंगे, तो अब कोई नहीं सुन रहा है तो कलेक्टर सर। मैं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा। निगम में 25 तारीख को टेंडर जारी हुआ, ऑनलाइन टेंडर जारी हुआ, टेंडर में जो नियमों का उल्लेख किया गया है वो नियम विरुद्ध है और ऑनलाइन टेंडर जारी किया महिला रैन बसेरा का। रैन बसेरा शहर में दो स्थान पर है, एक नए बस स्टैंड में और एक सरकारी जिला अस्पताल के पास में, उनके टेंडर की प्रक्रिया जारी हुई उसमें अनियमितता बरती गई है। महिलाओं को एक तरफ सरकार आगे लाना चाहती है, उनके जीवोपार्जन के लिए बहुत प्रयास करी है लेकिन नगर निगम में बैठे लोग उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ जब पिछले बार टेंडर हुआ था जिन महिलाओं को मिला था टेंडर उनको कैंसिल कर दिया अपनी मनमर्जी से, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों कैंसिल किया गया तो उनका पास जवाब नहीं रहता। पिछले टेंडर में उन्होंने 5,000 रुपये अमानत राशि रखी थी, इस बार के टेंडर में उन्होंने 30,000 कर दिया, जबकि उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है, उस समिति में 10 सदस्य हैं और उन 10 सदस्यों का आज तक नगर निगम में एक बार भी बैठक नहीं हुई, किसी मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हुई और ये टेंडर जारी करते हैं, गुपचुप तरीके से टेंडर जारी करते हैं। महिलाओं को जो लाभ देना चाहिए अत्यधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए टेंडर का, वो नहीं हुआ है। ऑनलाइन विचारी क्यों महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं गरीब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, ऑनलाइन कैसे वो टेंडर में भाग लेगी किसी को जानकारी नहीं है और बहुत सारी अनियमितता है। आज तक इस संस्था की मीटिंग नहीं हुई और इस मीटिंग में वो लोग 30,000 और 25,000 इसका जो राशि तय किए हैं वो सदस्य ही नहीं है। सदस्य जहाँ होना चाहिए वहाँ चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के पश्चात ही कोई निर्णय आना चाहिए। आज इसी बात को लेकर माननीय जिलाधीश महोदय के पास हमने चर्चा किया, आयुक्त महोदय के पास चर्चा करते हैं,
तो मैं देख लूंगा हमेशा किसी भी प्रकार के अनियमितता की बात करते। यहाँ पे ये लोग चूक कर गए हैं। ये पहला ऐसा काम है जिसमें नगर निगम मेरे बैठने के बाद बिना पेपर में दिए कोई टेंडर को ये लोग पूर्ण कर रहे थे, जो हमारी जानकारी में आया। हमारी जानकारी में आने के बाद हमने उसको नियम से करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए हमारे अपने अधिकारियों को आदेश दिया। ये हमारे पार्षद लोग, भाजपा के पार्षद लोग मेरे से इसलिए मिलने आए थे कि उनको काम क्यों नहीं मिला, क्यों निरस्त किया गया। पहले उनको पता करे कि उस काम को आवंटन कैसा हो रहा था। बिना पेपर में दिए, बिना मेयर को, महापौर को बिना जानकारी दिए ये काम को ये लोग आवंटन कर रहे थे, मतलब रैन बसेरा को आवंटन करने का खेल हो रहा था। इसके पहले अर्जुनी गोठान को इन्होंने बिना हम मेयर की जानकारी के, बिना पेपर में दिए ये लोग आवंटित कर चुके थे कुछ अधिकारियों के साथ मिल के, हमको पता चला। लेकिन बाद में वो जो जिनको आवंटित किया गया है वो मेरे से मिली, हमारे खर्चा हो गए है और विभिन्न प्रकार की समस्या उन्होंने बताई, हमने उसको कैंसिल नहीं किया, चलो खर्चा हो गया। लेकिन उसके बाद उसी समिति को फिर से देने के लिए, रैन बसेरा को देने के लिए पूरी कार्यवाही ये लोग चुपचाप हमारी बिने जानकारी के कर चुके थे, जो हमारे पता चला हमने उसको निरस्त किया। अब वो उसी को ये लोग ये लेके आए थे कि इसको दिया जाए, तो हमने इनको कह दिया है कि इस समिति को हम बिल्कुल स्टैंडर्ड इस रैन बसेरा को नहीं देंगे। अब प्रक्रिया ये है, जो प्रक्रिया भी है, हमने टेंडर लगाया है, ओपन टेंडर लगाया है और जो जो आएंगे उसमें फिर जो शासन का नियम होगा उसके गाइडलाइन के आधार पे हम उसका पालन करते हुए इसको देंगे, जिसको भी देना होगा। लेकिन इनको नहीं देंगे, एक समिति, एक काम हम इनको दे चुके हैं, दोबारा और हम इसी समिति को या इसी महिला समूह को काम नहीं देंगे।